युवा वर्ग या हमारे प्रोफेशनल एथलीट्स ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं और उन्हें बेसिक इट्स एंड बिट्स होते रहते हैं, कभी कंधे में दर्द, कभी शोल्डर में दर्द। वे बार बार हमसे एमएलडी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे क्या डाइट में ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि मैं अपनी जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखूँ। तो इस वीडियो में हम उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खास बातें करेंगे जो इन चीज़ों से थोड़े बहुत परेशान हैं और इस चीज़ की रेमेडी लेना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। हम बात कर रहे हैं जॉइंट हेल्थ के बारे में। जब भी हम किसी चीज़ की हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें बेसिकली तीन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, डाइट एंड न्यूट्रिशन, सेकेंड इज मोबिलिटी एंड एक्सरसाइजेज, एंड थर्ड इज रिकवरी एंड रेस्ट। जब हम इन तीन चीज़ों की बात करते हैं तो हम एक ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट बात करेंगे हम डाइट एंड न्यूट्रिशन की। डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोटीन कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर हमने एक प्रोटीन का वीडियो बनाया है जो आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अमूमन ज़रूरी है कि सबसे पहले डाइट के अंदर हम हेल्दी फैट्स को शामिल करें। हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, बिकॉज ये हमारी जॉइंट के अंदर कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये हमारी जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ये हमारी जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो हेल्दी फैट्स में हम कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें बटर के यूज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। तो ज़रूरी है कि हेल्दी फैट्स को हम डाइट में शामिल करें। उसके अलावा हेल्दी फैट्स में हम नट्स यूज़ कर सकते हैं, वॉलनट्स यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक हेल्दी फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन। सेकेंड चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर आप रूटीनली वर्कआउट्स करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज ये हमें ओवरऑल वर्कआउट के दौरान एक एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं और हमारी जॉइंट हेल्थ के अंदर भी हेल्प करते हैं, प्लस ग्लूकोसामीन के साथ वर्क करके भी अच्छा काम करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फैक्टर जो आता है वह प्रोटीन। प्रोटीन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बेसिकली 0.5 to 1 ग्राम प्रोटीन की हम बात करते हैं पर kg लीन बॉडी मास। तो प्रोटीन इनटेक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में क्या ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी, उनका रेगुलर विटामिन डी इनटेक रहना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट उनके लिए जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है ग्लूकोसामीन और कोलेजन। आजकल बहुत तरह के कोलेजन मार्केट में आ रहे हैं जिसमें मरीन कोलेजन भी आता है, फिश कोलेजन भी आता है, एनिमल कोलेजन भी आता है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज रेगुलरली लेते हैं तो पाए का सूप इसके अंदर बहुत हेल्पफुल है, जो इतने हाई क्वालिटी ऑफ ग्लूकोसामीन मिलता है आपको। अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं तो आप आजकल सिंथेटिकली अवेलेबल प्लांट कोलेजन सोर्सेज भी आते हैं जिसमें ग्रीन मार्क होता है, जो टैबलेट्स को आप रेगुलर ले सकते हैं। उसके अलावा फिश कोलेजन सैशेज ईजीली अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। कोलेजन सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो ओवरऑल जॉइंट हेल्थ पे काम करता है, कार्टिलेज हेल्थ पे काम करता है, जॉइंट लुब्रिकेसी पे इंक्रीज करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कोलेजन को अपनी डाइट में या तो नेचुरल तरीके से या सिंथेटिक तरीके से या कमर्शियल तरीके से कोलेजन को शामिल करें। कोलेजन के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है विटामिन B12 और मीथियोनिन। विटामिन B12 और मीथियोनिन बहुत ज़रूरी है हमारी नर्व्स के लिए, नर्व्स के साथ साथ हमारी जॉइंट हेल्थ को एक्टिवेट करता है। जॉइंट के ऊपर जो प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स हैं, यानी कि जो बताते हैं कि कब चलना है, कब रुकना है, कब मुड़ना है, इन्हें हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज जिंक टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव भी करता है, जिंक आपके ओवरऑल बोन एंड मसल स्ट्रेंथ में कारगर है। तो ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में रूटीनली शामिल करेंगे तो हेल्प मिलेगी। उसके बाद आता है एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, नंबर वन इज अ प्रॉपर वार्म अप। आपका वार्म अप 360 डिग्री जॉइंट रोटेशंस एंड मूवमेंट्स के साथ होना चाहिए। डायनेमिक स्ट्रेचिंग को आप पोस्ट वर्कआउट के लिए रखें। आप स्ट्रेचिंग को जब भी करते हैं तो आफ्टर स्पोर्ट्स आपको उसे करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी गेम या स्पोर्ट्स खेलें, आप ऑप्टिमल रेस्ट या रिकवरी को फॉलो करें। ऑप्टिमल रेस्ट एंड रिकवरी के लिए आइस बाथ बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत अग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे अगर हम वुशू, टाइक्वांडो, जूडो, रग्बी, ऐसे स्पोर्ट्स को खेलते हैं, तो आपको एटलीस्ट मंथ में 2 बार या एटलीस्ट एज पर साइंटिफिक रिसर्च मंथ में 3 बार आपको आइस बाथ को यूज़ करना चाहिए। आइस बाथ में वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग नहीं हो तो भी चलेगा, और 3 से 5 मिनट तक आप आइस बाथ को लें। 3 से 5 मिनट में बहुत अच्छा रेस्ट एंड रिकवरी हमें मिलता है। उसके बाद आती है स्लीप।
जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, अगर कोई यंग एथलीट्स हैं, नाइट पार्टीज़ में जाते हैं, स्लीप पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी। एक्टिव एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप इज 8 आवर्स ऑफ स्लीप। 8 आवर्स ऑफ स्लीप के अंदर आपको मुश्किल से 2.5 से 3 या 4 घंटे की डीप स्लीप मिलती है। उसके अलावा हमारी स्लीप साइकिल में REM और नॉन REM स्लीप चलता रहता है। केवल डीप स्लीप ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपको प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी मिलता है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, ग्रोथ हार्मोन हाई होता है, सारी इंजरीज हील होना शुरू होती हैं। सो इम्पॉर्टेंट है रिकवरी एंड रेस्ट। तो इन सारी चीज़ों को जब आप कंप्राइज करेंगे तो आपके जॉइंट हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, नेग्लेक्ट नहीं करना। नेग्लेक्ट नहीं करना मतलब कोई भी छोटी इंजरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसे लाइटली ना लें। एक एक्सपर्ट की सलाह लें, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उसे एग्जामिन कराएं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी चीज़ों को हम बढ़ा लेते हैं और उससे हमारी सारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मित्रों आपके साथ शेयर करने के। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।